हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, यूट्यूब में मुझे कमेंट्स आए थे कि भाई इसकी रियर ब्रेक है उस पर वीडियो बनाओ, ये जो रियर ब्रेक है वो लगती नहीं है। पहले तो मेरी ब्रेक आप लोग देखो पूरी डाउन है। जो इसका सीन ये होता है, ये जो ड्रम होता है इसका, ये अंदर से कट जाता है। ड्रम की लेयर होती है वो अंदर से कट जाती है कुछ टाइम बाद। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। और ये देखो गेम कितनी आगे जा चुकी है मेरी भी। सो अभी देखो, ये देखो ये ब्रेक लगाई मैंने, वो देखना गेम कितनी आगे जाएगी मेरी। ये देख सकते हो यार, मेरी में भी यही दिक्कत है। अभी तक कुछ नहीं किया इसमें, मुझे भी ये दिक्कत आ रही अभी भी आती है, पर क्या करना यार। जैसे मैं ड्रिफ्ट वगैरह करता हूँ, मेरा जो टायर है उसमें मैं हवा रखता हूँ 40। अगर मैं खाली यही ब्रेक दबाऊँ तो नहीं होगी ड्रिफ्ट। सो मैं ये पूरी दबा देता हूँ, उसके बाद मैं इसको एक दो बार ऐसे प्रेस करता हूँ, उसके बाद टायर स्लिप होता है, उसके बाद ड्रिफ्ट होती है। मुझे भी एजेंसी वाले बोल रहे थे कि ये ड्रम चेंज करवा ले, 3-4 हज़ार रुपये का ड्रम था, पर मैंने चेंज नहीं करवाया, मैंने ऐसी चलाई हुई है अभी भी। तो गाइस यार, इसमें आप लोग न्यू लेदर भी डालोगे ना, अगर ड्रम कटा होगा आपका भी, न्यू लेदर भी काम नहीं करेंगे। मेरा भी ड्रम अंदर से कट चुका है और मेरी भी ब्रेक इतनी अच्छी काम करती नहीं है। देख सकते हो केम कितनी आगे जा चुकी है। बाइक में तो होता है कि हम केम को थोड़ी पीछे कर सकते हैं तो हो जाता है बाइक में सीन। ये बाहर नहीं निकल सकती देखो केम यहाँ से, नहीं तो हम इसको यहाँ से बाहर निकाल के पीछे करके, पर यार इसमें होता नहीं कोई सीन, तो बाइक में हो जाता है। बाकी मेरी ब्रेक भी अच्छी है यार भाई, क्या कर सकते हैं अब। तो गाइस, मेरी जो रियर ब्रेक है यार वो भी इतनी अच्छी काम करती नहीं है यार, तो क्या कर सकते हैं इसका। मैंने भी ड्रम वगैरह चेंज करवाया नहीं है, ना ही रिम रिपेयर किया है खराद वालों से, और ना ही मैंने रिम चेंज करा हुआ है। सो जब से मैंने स्कूटी ली है यही रिम चला हुआ है। ब्रेक वाली दिक्कत तो मेरी स्कूटी में भी है यार, सो क्या कर सकते हैं अब। और बाकी देख ही सकते हैं यार, पूरा लीवर डाउन हो चुका है। इसको टाइट कर दो थोड़ा, ब्रेक टाइट कर लो। वैसे मुझे पता है कि पूरी अगर आप लोग कर भी दोगे टाइट, केम आगे चल जाएगी, बट ब्रेक फिर भी नहीं लगेगी इतनी खास। और अगर ज़्यादा टाइट कर दी आपने तो टायर जाम हो जाता है। सो मेरे में भी ऐसी दिक्कत है यार। सो मैं इतनी रखता हूँ कि टायर घूम सके, मैं फुल टाइट ही रखता हूँ इसको, बाकी क्या कर सकते हैं यार। टायर में हवा 40 रखी हुई है मैंने अभी भी। सो टायर में हवा ज़्यादा हो तो स्लिप जल्दी होता टायर। अगली ब्रेक का तो ठीक ही होता है सीन, डिस्क है कोई सीन नहीं है। अगली ब्रेक तो बड़ी है इसकी, ये मैंने एक बार चेंज करवाई है अगली प्लेट, ये ख़राब हो चुकी थी पूरी। सो ये चेंज करवाई मैंने, ये डिस्क पैड डलवाए हुए हैं थोड़े दिन पहले। सो अगली ब्रेक तो मेरी काफ़ी अच्छी है, बस ये है कि जब लैदर में पानी लग जाता है तो उसकी वजह से ब्रेक आवाज़ करती हैं, बाकी कोई सीन नहीं है। अगली ब्रेक काफ़ी अच्छी है। सो पिछली का है यार दिक्कत भाई, मेरे में भी दिक्कत, कुछ टाइम के बाद ड्रम है वो कट जाता है अंदर से। सो गाइज, आप लोगों ने कमेंट्स करे हुए थे कि वीडियो बनाओ, तो भाई मैंने ऐसे बना दी ये वीडियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, मिलते हैं अब आपको एक न्यू वीडियो में।